एवरीवन, वेलकम टू द रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल सीरीज बेसिक टू एडवांस। और ये है वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम विंडो को इनपुट करेंगे और कैसे हम विंडो का साइज या उसको मूव करा सकते हैं और कैसे हम उसकी सिल हाइट, हेड हाइट और उसको एडिट कैसे कर सकते हैं और फैमिली में हम उसको लोड कैसे कर सकते हैं। और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आपको किसी टाइप की विंडो चाहिए और वो विंडो फैमिली में नहीं है तो हम उसे कहाँ से लाएँ, कैसे अप डाउनलोड करें और किस वेबसाइट से डाउनलोड करें, ये सब आज की वीडियो में होगा। तो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल्स इंजीनियर्स फॉर सिविल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड है उनकी ट्यूटोरियल सीरीज़ है। अगर आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि आपका ऑटोकैड, स्टैट प्रो, सैप 2000, अबाकस, ई टैब, गैट, मैटलैब, ई टैब्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो आप यहां जाके सीरीज़ को देख सकते हैं और इसके अलावा जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सकें तो आप बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और इसी चैनल के नाम से ही मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.engineersforcivil.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर भी बहुत कुछ सिविल इंजीनियर से रिलेटेड डाटा डाउनलोड और चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप के टैब्स हैं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिविट को ओपन कर लेते हैं। 2016 रिविट हम यूज़ कर रहे हैं। 2016-18 सभी ट्यूटोरियल सेम हैं, 18 तक सब सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप जो काम इसमें कर सकते हो वही आप 18, 19, 20 में कर सकते हो और ज़्यादातर कंपनीज में ज़्यादातर जगह पे 16 यूज़ हो रहा है, इसलिए हम 16 के ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग्स की वीडियो में हम ये सब वेलकम स्क्रीन, ये सब टेम्पलेट क्या है सब डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जाते हैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे विंडोज़ लगाने के लिए, सबसे पहले हम एक घर यानी कि प्लान, हम छोटा सा प्लान बना लेते हैं जो वॉल से हमारा बनेगा, ये बना लेते हैं वॉल से। और यहाँ पे हम बनाते हैं एक छोटा सा प्लान, कुछ इस तरह से, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से प्लान बन चुका है। अगर इसका हम 3D व्यू देखें तो इसकी हाइट काफ़ी आ चुकी है, जबकि हमें हाइट इतनी नहीं चाहिए थी। जो हमारे डिफ़ॉल्ट लेवल हैं, जो डिफ़ॉल्ट लेवल्स हम देख लेते हैं एक बार, डिफ़ॉल्ट लेवल 4 मीटर का है तो हमें 4 मीटर ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 3D में जाके इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको लेवल 2 तक करके एंटर कर देता हूँ। अनजॉइन, ये हो चुका है लेवल 2 तक। और यहाँ पे जाके सेडिट पोर्शन ले लेते हैं इसका और यहाँ पे फाइन डिटेल मिल सके। अब हम दोबारा से प्लान पे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे विंडो लेनी है और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट विंडो है एम फिक्स विंडो डिफरेंट साइज की। तो जो साइज़ की विंडो है हम ले लेते हैं, देखिए बहुत छोटी विंडो है, इसको हमने यहाँ लगा दिया। विंडो लगाने के बाद देखिए इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे आप, कि जिसका फ्रेम है वो आउटसाइड चाहिए कि इनसाइड चाहिए। अगर हम इसे 3D में देखें और रोटेट करके देखें, देखिए काफ़ी छोटी विंडो है और इसका फ्रेम जो है अंदर की साइड है। अगर इसी को हम आउटसाइड कर दें तो इस तरह से दिखेगी। मैंने क्या किया, सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस किया जिससे ये इनसाइड आउटसाइड हो रही है, ठीक है। और आप प्लान में जाके यहाँ से भी इनसाइड आउटसाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आउटसाइड चाहिए। अब कोई दूसरे साइज की एक ले लेते हैं थोड़ी बड़ी विंडो, एक हमने बड़ी विंडो, सॉरी ये क्योंकि ये सिलेक्ट थी तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ये हो गई आपकी बड़ी विंडो। तो हम छोटी विंडो ले लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ये है छोटी विंडो, ठीक है। तो ये थी दो तरह की विंडो जो यहाँ पे लगी हुई थी। अगर इस विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से साइज या ऐसे डायरेक्टली मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की विंडो थी। अब हम क्या करते हैं, एक बार 3D में इसको चेक कर लेते हैं। ये रही विंडो,
चेक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं विंडोज़ में और यहाँ से फैमिली में जाके लोड करते हैं। ठीक है, तो फैमिली में जाके ये कुछ विंडोज़ हैं, यहाँ पे हम इन सभी विंडो को ओपन कर लेते हैं। और देखिए थोड़ा सा हैंग होगा, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये ओवरराइड क्योंकि कुछ सेम एम फिक्स्ड भी उसमें पहले से होगी तो मैंने कर दी है इसमें। देखते हैं हो पाता है या नहीं। ये कह रहा है कि ये कैन नॉट, तो हम एक एक कर करते हैं। हम सबसे पहले आर्क टॉप विथ ट्रिम नाम से विंडो है, हम ये ले लेते हैं और इसको लगाते हैं प्लान में जाके। यहाँ से विंडो हम चेंज कर लेते हैं, देखिए दूसरी तरह की विंडो आ चुकी है। अच्छा, काफ़ी तरह की विंडो यहाँ पे आ चुकी हैं, लोड हो चुकी हैं, तो हम यहीं से लोड कर लेते हैं। ये रही आपकी एम टॉप, ठीक है, इसको लगाते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ से विंडो चेंज कर लेते हैं हम राउंड ओपनिंग, उसको यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ से हम चेंज करते हैं ये वाली विंडो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विंडो हमने लेके यहाँ से चेंज कर दी है। और अब हम ये वाली विंडो लेते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पे। इसके बाद सभी तरह की विंडो में लेके लगा रहा हूँ, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से दिखाई देती है। देखिए इसमें आपका इसको भी कर सकते हैं हम, किस साइड लगाना है। अब 3D में एक बार देख लेते हैं, तो देखिए डिफरेंट टाइप की विंडोज़ हैं। जिस टाइप की विंडोज़ आपको लगानी है, वेंटिलेशन के लिए होता है, इस सर्कुलर है, ये इधर है, एक विंडो ये रही, एक विंडो ये रही, इस तरह से आपकी विंडो लग जाती हैं। और विंडोज़ देख लेते हैं। कोई बड़ी सी विंडो मिलती है तो उसको लगाते हैं। कोई बड़ी विंडो नहीं है, ये वाली विंडो ले लेते हैं, इसका बड़ा साइज, और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये 3D में कैसी दिखाई देती है। ये लगी नहीं थी, अब लगी है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह की विंडो है और वहाँ पर लग चुकी है विंडो। तो ये डिफरेंट टाइप्स की विंडो है जो आप लाइब्रेरी में जाके आपका जो फैमिली है वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो जिस तरह की मुझे अपने आर्किटेक्चर ड्राइंग के लिए एक विंडो चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पा रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं ब्राउज़र खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडोज़ फैमिली फॉर रिविट। इस पर मैं गया और यहाँ पर एक है रिविट सिटी, रिविट सिटी नाम से एक वेबसाइट है, और भी वेबसाइट है, इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, ये रही रिविट। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की विंडो दी हुई है, जैसे ये दी हुई है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरा देखिए यहाँ पे इंजीनियर फॉर सिविल से ये कनेक्टेड है, यानी मैंने साइन अप किया हुआ है, तो ये डाउनलोड हो गई है आर्क चैट विंडो। अब इसको हम यहाँ पर जाके क्या करते हैं, विंडो पहले प्लान ले लेते हैं, विंडो एंड लोड फैमिली, और मैं जाता हूँ डाउनलोड पर, डाउनलोड। और ये रही, देखिए डिफरेंट टाइप की मैं पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ, ये हमने डाउनलोड की थी और मैंने इसको ओके किया। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे और इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको 3D में देखते हैं। ये देखिए इस तरह की विंडो है। ठीक है, और इसी तरह से हम और भी विंडो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। एक हमारी ये थी सर्कुलर, इसको कर लेते हैं और इसको भी हम लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास विंडो हैं, और भी विंडोज़ देखते हैं हमारे पास किस तरह की विंडो है। एक विंडो ये है हमारे पास, इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप की विंडो, सभी विंडो को यहाँ पे लगा देते हैं एक बार, जैसे कि ये है, इसको यहाँ लगा देते हैं। और सर्कुलर है, इसको यहाँ लगा देते हैं। और लोड करके देख लेते हैं और कौन सी टाइप की विंडो है हमारे पास। एक ये विंडो है, इसका प्रीव्यू नहीं आ रहा, देख लेते हैं किस टाइप की विंडो है ये।
तो ये है एक टाइप की विंडो, ये लग नहीं पा रही है यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, इस विंडो को प्लान में जाते हैं और फिर लगा के देखते हैं। इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब जाता हूँ आर्किटेक्चर विंडो और ये डिफ़ॉल्ट विंडो है, इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। ये नहीं लग पा रही है किसी वजह से, इस विंडो की जो हाइट है वो ज़्यादा है और इस फ्लोर की हाइट कम है, इस वजह से नहीं लग पा रही है, ठीक है। तो देखिए और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे किसी भी विंडो का साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसकी सिल हाइट और हेड हाइट। तो आपको पता ही है जैसे कि डोर में होती थी हमारी, ये नीचे वाला स्पेस जो है ये है आपकी सिल हाइट और ये है आपकी हेड हाइट, आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। इस विंडो का अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आएगा आपका सिल हाइट, ठीक है, सिल हाइट। और आपका एडिट करने का, अगर इसको एडिट करते हैं तो कभी भी आप डुप्लीकेट कीजिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये था आपका विंडोज़ के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है मैं जानता हूँ, बस ये जो बिगनर है उनके लिए वीडियो थी। तो अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और एडवांस वीडियोज़ के लिए और बहुत ही अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी रहें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू।